पिछोर के विजयसेन मंदिर पर पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू आज पिछोर पहुंचे, जहां उन्होंने विजयसेन माता मंदिर के सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी समस्याओं से पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू को अवगत कराया। सभी लोगों ने एक एक कर अपनी अपनी समस्याएं बताई। समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसी क्रम में चंद्रशेखर जाटव को कांग्रेस पार्टी का विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर जाटव का स्वागत ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णकांत गुप्ता और कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे अरविंद लोधी ने किया। इस तरह लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। इसलिए सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, मेरी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जा रही है, तो सभी जो भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं वो लोग साथ रहे। साथ में उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे कि कक्काजी साहब ने हमारे समाज के लोग कहते थे जाटव समाज की मीटिंग में कि कक्काजी साहब ने हमारे लिए नेता नहीं दिया, आज कक्काजी साहब ने इतना बड़ा पद दे दिया, जाटव समाज के लोग जो यहाँ कहीं वहाँ भटक रहे हैं, कहीं लाल तौलिया कहीं नीली तौलिया के चक्कर में फंसे हैं। समाज के भाइयों से मेरा निवेदन है कि आपके बेटे को कक्काजी साहब ने विधानसभा का प्रभारी बनाया है, जो मुझे नहीं बनाया है, चंद्रशेखर को नहीं बनाया है, पूरी समाज का मान सम्मान उन्होंने दिया है, दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।